हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपको स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इंसर्ट एप्लीकेशन में टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी इंसर्ट एप्लीकेशन में वीडियो एडिट करते समय आप कैसे टेक्स्ट लिखोगे और उस टेक्स्ट में डिज़ाइन कैसे करोगे और उसमें कलर कैसे ऐड करोगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। जैसे ओपन करोगे तो इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे वीडियो में क्लिक करके आप अपने हिसाब से अपना वीडियो को, कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए जिस वीडियो में आप एडिट करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक वीडियो लेके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक वीडियो ले लिया है, आप देख रहे हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो वीडियो का लेयर है उसके ऊपर में कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें से आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख के बता देती हूँ, जैसे कि न्यू वीडियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर न्यू वीडियो टेक्स्ट लिख दिया है, आप देख रहे हो। और यहाँ पर इस टेक्स्ट में आप कैसे एडिट कर सकते हो, यानी कि इसमें डबल डबल कलर कैसे दे सकते हो, या फिर इसे बड़ा छोटा कैसे कर सकते हो, या फिर इस टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज करना है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो और उसके बाद फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली कलर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो इस तरह का नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, बॉर्डर हो गया, शेडो हो गया, लेयर हो गया, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें से किसी भी ऑप्शन में आप जाके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट में पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर दिया हुआ है, उसके बाद लेयर दिया हुआ है, शेडो दिया हुआ है, किसी में भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक दे दिया है और बॉर्डर का कलर मैं यहाँ पे येलो दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी कलर था वो चेंज हो गया है, बॉर्डर का कलर येलो आ गया है और टेक्स्ट का कलर ब्लैक। तो आप यहाँ पे कॉर्नर में पकड़ के इस टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आप टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे वीडियो को ओपन करोगे तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो वीडियो के ऊपर में लिखावट आ गया है, टेक्स्ट आ गया है, और वही आपके हिसाब से आप कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर में क्लिक करोगे। कलर में जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा और नीचे आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारा टेक्स्ट का बैकग्राउंड है। जो भी टेक्स्ट आप लिखे हैं उसका बैक में कोई कलर आ जाए ऐसा आप चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कोई भी कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे एक एक करके देख लेना यूज़ करके अपने मोबाइल में। मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है वीडियो के ऊपर में टेक्स्ट का कलर देने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपना कोई भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।